हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम 10th क्लास के लिए इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड चैप्टर इन योर बुक्स। द नेम इज नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोहिल्हाल मंडेला। Before we begin the chapter, I'll give you an introduction. Nelson Mandela was a very famous personality. He belonged to South Africa. South Africa, we all know, is a country located in the African continent. It is in the southern part of Africa. Now, Long Walk to Freedom is the name of the autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? The life story of a person written by the person himself is called an autobiography. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी life story एक book में लिखी। book का नाम था Long Walk to Freedom और इसी book में से एक छोटा सा portion आपके lesson में है। Now before we read the lesson, I'll give you an introduction about Nelson Mandela. He was addressed as Madiba. It was his Xhosa clan name. अब नेल्सन मंडेला एक क्लैन को बिलोंग करते थे जिसका नाम था जोसा और इस क्लैन में इन्हें मादीबा कहा जाता था। ही बिलोंग टू द थेम्बू रॉयल फैमिली। साउथ अफ्रीका में एक रॉयल फैमिली थी, थेम्बू रॉयल फैमिली, और नेल्सन मंडेला इसी फैमिली को बिलोंग करते थे। ही वेंट टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994। साउथ अफ्रीका में पहली बार इलेक्शंस हुए और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। नेल्सन मंडेला सर्व्ड प्रिजन फॉर 27 इयर्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ अपार्टहाइड, दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। स्किन के कलर पर, यानी के व्हाइट स्किन वर्सेस ब्लैक स्किन। जिन लोगों की व्हाइट कलर की स्किन थी वो ब्लैक कलर की स्किन वालों पर रूल करते थे। ब्लैक कलर की स्किन वाले लोगों को कहीं रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाना अलाउड नहीं था, कुछ काम करने अलाउड नहीं थे, उन्हें पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था बिकॉज देयर स्किन वॉज ब्लैक इन कलर। एंड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड अपार्टहाइड, द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। ये जो सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट था, बहुत सालों तक प्रेवलेंट था, और इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए नेल्सन मंडेला 27 सालों तक जेल में रहे। ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहकर सम्मानित किया जाता है बिकॉज इन्हीं के हार्डवर्क की वजह से आज साउथ अफ्रीका में अपार्थिड नाम का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हो गया है। ये एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही ज्यादा ओप्रेसिव सिस्टम था जिसमें के जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी, और उन्हें इस चीज से आजादी दिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को मॉनिटर किया और इंडिया को आजादी दिलाई, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी वहां के लोगों को अपार्थीड से आजादी दिलाई। तो अब हम लेसन पढ़ेंगे एंड अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन आई टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आल्सो। 10th मे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। तो ये जो 10th मे है, दिस इज 10th ऑफ मे 1994, ये वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो इसी दिन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस चैप्टर में। वो कहते हैं कि दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। बिसीज्ड बाय मींस टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय समवन। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट तो बन ही रहे थे, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका में।
पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, लोगों ने पहली बार वोट किया था और अपनी सरकार चूज की थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे। और साथ ही साथ जब अपार्थिड अबॉलिश हुआ तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाए, क्योंकि अपार्थिड के दौरान बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर दिए थे, लेकिन अब जब वहां से अपार्थिड अबॉलिश हो गया था तो उन्होंने भी अपने रिलेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए। तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स अब साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर आए थे और वो नेल्सन मंडेला को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर चेंज किया था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, यहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे और साउथ अफ्रीका की धरती पर इस दिन से पहले कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ था, इतनी वर्ल्ड लीडर्स वहां पर कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एम्फीथिएटर इज एन ओपन एयर थिएटर। यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये है यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया नाम के शहर में लोकेटेड है। इन बिल्डिंग्स के बाहर स्टेयर्स लगी हुई हैं एंड दैट फॉर्म्स एन ओपन एयर थिएटर, और यहीं पर ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला यहां पर कहते हैं कि ये जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं प्रिटोरिया में बहुत सालों तक, डेकेड्स मींस अ टर्म ऑफ 10 years, 10 years इज 1 decade, और वो कहते हैं डेकेड्स यानी कि बहुत सारे 10-10 सालों को जब हम जोड़ देंगे तो डेकेड्स बन जाएगा, विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी है ये क्या है? अपार्थीड। जब अपार्थीड चल रहा था तो यूनियन बिल्डिंग्स में सिर्फ व्हाइट कलर के लोग देखने को मिलते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका पे वही राज करते थे। लेकिन आज यानी कि 10 मई 1994 अब क्या हो गया था? अपार्थीड अबॉलिश हो गया था और वहां पर सारी दुनिया से लोग आए हुए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। तो अलग अलग स्किन कलर्स के लोग थे और नेल्सन मंडेला उन्हें रेनबो गैदरिंग कह रहे हैं। जैसे कि एक रेनबो में 7 colors होते हैं अलग अलग, ऐसे ही ये जो गैदरिंग थी यहां पर भी अलग अलग स्किन कलर्स के लोग देखने को मिल रहे थे। और इस दिन साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने ही चूज किया था और यहाँ पर कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, किसी को भी हक था कि वो इस सरकार का हिस्सा बन सकता है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. अब यहां पर ध्यान दीजिए, नेल्सन मंडेला कह रहे autumn day. डेट क्या है? 10th May 1994. मई के महीने को हम यहां पर समर सीजन कहते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला उसे autumn कह रहे हैं। Why? आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो द रीजन, बट जिनको ये नहीं समझ आ रहा मैं आपको बताती हूँ कि साउथ अफ्रीका lies in the सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न हेमिस्फीयर से ऑपोजिट सीजन होते हैं, तो जब हमारे यहां पर समर सीजन चल रहा है वहां पर विंटर सीजन शुरू होने वाला है, और विंटर से पहले क्या आता है? ऑटम। इसीलिए यहां पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे। तो वो कहते हैं कि इस दिन उनके साथ उनकी बेटी जिनानी भी थी, यहां पर आप इमेज में उन्हें देख सकते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन थाबो बेकी वॉज स्वॉन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम मीन्स द स्टेज। तो नेल्सन मंडेला से पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई
ओथ लेने के लिए, तो उन्होंने ये कसम खाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी कंट्री में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर मीन्स टू गिव एंड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। साउथ अफ्रीका में जो नई आजादी मिली थी लोगों को, फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सारी दुनिया ये चाहेगी कि ये जो आजादी है ये ऐसे ही बनी रहे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जो ह्यूमन डिजास्टर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत देर चला, और जब ये खत्म हुआ तो जो सोसाइटी बनी, तो जो लोग थे वो इतना इवॉल्व हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी दुख तकलीफें देखी थी, वो इतने अच्छे से बिहेव करेंगे कि सारी दुनिया उनपे प्राउड फील करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आउटलॉज हियर रेफर्स टू दोज कंट्रीज which had severed diplomatic relations with South Africa due to the practice of apartheid. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुनिया की बहुत सारी ऐसी countries थी जिन्होंने South Africa के साथ अपने relations end कर दिए थे, क्योंकि वहां पर racial discrimination की practice की जाती थी। आज वो सब countries ने South Africa के साथ अपने relations एक बार फिर से firm कर लिए थे, वो सब वहां पर मौजूद थे नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज उन सब कंट्रीज ने हमें अपना लिया है, आज तक वो सब हमें आउटलॉ समझते थे, उन्होंने हमारे साथ अपने रिलेशंस खत्म किए हुए थे, लेकिन आज वो इस स्वेरिंग इन सेरेमनी पर आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दी है कि आज हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं और वो हमारे मेहमान बने हुए हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for people, for human dignity. Dignity means respect. तो जब इतने सारे countries से जो लोग हैं, leaders हैं, वो आज इस ceremony में हिस्सा ले रहे हैं, तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि अपार्थाइड की अबॉलिशन से ह्यूमैनिटी की विक्ट्री हुई है, लोगों की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है, और ह्यूमन बीइंग्स की रिस्पेक्ट की जीत हुई है। तो यहां पर नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच से क्या किया, उन्होंने सारी कंट्रीज को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ लिया, और उन्होंने ये कहा कि अपार्थाइड की अबॉलिशन से सारी दुनिया खुश है, क्योंकि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जिससे आप स्किन के कलर की वजह से लोगों में भेदभाव कर रहे थे, और कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मींस फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो जब तक वहां पर अपार्थी चल रहा था, वहां पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन थी, क्योंकि जो ब्लैक कलर के लोग थे उन्हें सरकार में हिस्सा लेना अलाउड नहीं था, लेकिन अब जब अपार्थाइड अबॉलिश हो गई है तो सब लोगों को रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिल गई है, अब कोई भी वहां पर एक नेता बन सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, तो अब वहां पर किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग आजाद है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डेप्रिवेशन मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। जब आप किसी को उसका हक ना दें, उसे उसके हक से वंचित करें, डेट इज टू डिप्राइव समवन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, लोगों में भेदभाव करना, किसी भी कारण, किसी भी बेसिस पर भेदभाव करना। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी कंट्रीमैन के बिहाफ पर ये कसम खाई
कि अब उनके देश में ना तो पावर्टी होगी, ना तो किसी को भी उसके हक से डिप्राइव किया जाएगा, ना कोई दुखी होगा, ना जेंडर या किसी अन्य रीजन की वजह से लोगों में भेदभाव किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oppression means किसी को exploit करना, किसी को pressurize करना, force करना। तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसे वो एक ब्यूटिफुल लैंड कह रहे हैं, आज के बाद कभी भी किसी को अप्रेस नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं कि जो हमने अपार्थीड को अबॉलिश कर दिया है, ये चीज कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। अब साउथ अफ्रीका में किसी भी बेसिस पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Awe means surprise, herani. And array means an impressive display. थोड़ी देर बाद क्या हुआ? आकाश में साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे और वो सलामी दे रहे थे, वो सल्यूट कर रहे थे वहां की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और सब लोग बहुत ही हैरान थे क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। प्रिसिशन मीन्स एक्यूरेसी। सब लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि जो डिस्प्ले था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत और शानदार था, और साथ ही साथ जो भी मिलिट्री थी साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्नॉलेज कर रही थी और सलाम कर रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बिडेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, saluted me and pledged their loyalty. Pledged means promised. थोड़ी देर पहले, यानी कि जो एयर शो था इससे थोड़ी देर पहले, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्स के जितने भी हेड थे और उनके यूनिफॉर्म के ऊपर उनके मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे जो कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स में जीते थे, उन सब ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और प्रॉमिस किया कि वो अपनी कंट्रीमैन को लॉयल रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अनमाइंडफुल मीन्स कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स के हेड थे जो आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, कुछ साल पहले वो क्या करते, वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लेते क्योंकि नेल्सन मंडेला विद्रोह कर रहे थे, साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ थे, वो अपार्थीड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, और इस वजह से यही जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री फोर्स के और पुलिस फोर्स के, ये उन्हें अरेस्ट कर सकते थे। तो आज कितना बड़ा चेंज आ गया था कि वही लोग जो कुछ साल पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron is a zigzag pattern in shape of V. ऐसे V shape में zigzag form करने को chevron कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान में जो jets उड़ रहे थे, ये भी एक zigzag pattern form कर रहे थे। इसे नेल्सन मंडेला शेवरॉन कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग कलर्स का धुआं छोड़ते हुए जेट्स, एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हुए दिखे। और ये किस कलर का धुआं छोड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स का। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में ये सब कलर्स होते हैं और इन्हीं कलर्स का धुआं ये जेट प्लेन्स छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikleel
E-Africa and Black Singing Diastem, the old anthem of the Republic. तो जैसे कि हर कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहां का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तो साउथ अफ्रीका में भी उसी तरह से व्हाइट कलर के लोगों का और ब्लैक कलर के लोगों का जो नेशनल एंथम था वो प्ले किया गया. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means had a very low opinion of, या हम कह सकते हैं dislike करना. तो कहते हैं कि जो whites और blacks थे वो अपना अपना नहीं दूसरों का भी national anthem गा रहे थे, चाहे उन्हें उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं रह गया था whites और blacks में, सब एक ही थे, इसलिए सब अब धीरे धीरे एक दूसरे के नेशनल एंथम को भी सीख सकते थे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब जब इतना खुशी का मौका था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी साउथ अफ्रीका के लोगों ने, तो नेल्सन मंडेला के दिल में भी उनकी जो सारी हिस्ट्री थी, उनकी कंट्री की जितनी हिस्ट्री थी, किस किस चीजों से वो गुजरे थे, वो सब चल रहा था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. First decade of the 20th century means 1900s ki shuruaat mein. फर्स्ट डेकेड मींस 1900 से लेकर 1910 तक. तब क्या हुआ था, इसी दौरान में फर्स्ट एंग्लो बोर वॉर हुई थी, दैट इज इंग्लिश और अफ्रीकन्स के बीच में वॉर. ये जो वॉर हुई थी ये नेल्सन मंडेला के बर्थ से थोड़ी देर पहले हुई थी, और इसी वॉर के बाद अपार्थिड नाम की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई थी. साउथ अफ्रीका में जितने भी व्हाइट कलर की स्किन वाले लोग थे उन्होंने डार्क स्किन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू की, उन पे डोमिनेशन शुरू कर दी और अपार्थिड नाम का रूल उन पर लागू कर दिया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. तो जो सोशल स्ट्रक्चर था साउथ अफ्रीका में From the starting of the 20th century, ये दुनिया का सबसे inhuman structure था. Apartheid के basis पर जो discrimination की गई थी लोगों के बीच में वो बहुत ही ज्यादा harsh और severe थी. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Now, the last decade of the 20th century means 1990 se lekar 2000 tak. To ye jo baat ho rahi hai ye kab ki hai, 1994 ki, jabki apartheid abolish kar diya gaya hai. To ye 20th century ke last decade mein padta hai aur ab Nelson Mandela apni 8th decade mein hai, yani ki 80s mein chal rahe hain. तो कहते हैं कि अब फाइनली साउथ अफ्रीका से अपार्थिड को अबॉलिश कर दिया गया है और अब वहां पर हर कलर की स्किन वाले लोगों के पास उनके हक और आजादी है, अब कोई भी भेदभाव नहीं है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriot means a person who loves his country, who fights for his country. अब जैसे कि नेल्सन मंडेला को पूरी हिस्ट्री याद आ रही है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख झेले, बहुत हिम्मत रखी ताकि आज साउथ अफ्रीका ये दिन देख सके. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means done or achieved. Nelson Mandela ko bahut dukh hai ki itne sare jo log the jinhone is din ke liye mehnat ki thi aaj wo maujood nahi hai taki wo ye din dekh sake.
प्रोबेबली उन सब लोगों की डेथ हो गई है और आज वो ये दिन नहीं देख सकते जिसके लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल और मेहनत की. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means something which is very deep and strong. So Nelson Mandela कहते हैं कि उनके देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत deeply hurt हुए थे apartheid नाम की racial discrimination की वजह से. और उनके ये जो घाव हैं ये इतने गहरे हैं कि इन्हें भरने में बहुत सारे साल लग जाएंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑप्रेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर तांबोस द वाल्टर सिसिलिस द चीफ लिथिलिस द यूसुफ डाडोस द ब्राम फिशर्स द रॉबर्ट सुबेकेस ऑफ आवर टाइम मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज wisdom and generosity that their like may never be known again. यहाँ पर आप इन सभी famous लोगों की photos देख सकते हैं जिन्हें Nelson Mandela refer कर रहे हैं. वो कहते हैं कि ये जो 100 साल almost 100 साल की जो apartheid racial discrimination का duration था, इस duration में South Africa में इतने महान लोगों को हमने देखा जो कि अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते थे, जिन्होंने इतना ज्यादा करेज रखा, विजडम रखी और जेनरोसिटी रखी अपने देश के लोगों के लिए, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की कि दुनिया में कभी भी दोबारा ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. इस लाइन का मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं कि हो सकता है जब किसी इंसान पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, जब उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तभी उस इंसान में इतनी ज्यादा कैरेक्टर यानी कि इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज उभर कर बाहर आती हैं. तो अगर आपके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है, आपको इतना ज्यादा तकलीफ दी जाती है, तभी आप में से इतनी ज्यादा रिबेलियन, इतनी ज्यादा करेज बाहर आता है. माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स. हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर रॉ डायमंड्स. यहाँ पे बहुत बड़ी हीरो की खदानें हैं जहां से रॉ डायमंड्स निकाले जाते हैं. नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि उनके देश में इतने सारे जेम्स हैं जो कि धरती के नीचे गड़े हुए हैं, लेकिन वहां के जो असली जेम्स हैं, वहां के जो असली हीरे हैं, वो कौन है? वहां के लोग, जो कि इन हीरो से भी ज्यादा, इन पत्थर के हीरो से भी ज्यादा शानदार है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades in struggle means उनकी जो ये struggle थी, जो लड़ाई थी, उसमें जो उनके दोस्त थे, उनके जो साथी थे, इन सब से ही Nelson Mandela ने ये सीखा कि courage, धैर्य का क्या मतलब है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. उन्होंने ये देखा है कि किसी भी आइडिया के लिए, किसी भी विचार के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं. इस आइडिया को साकार करने के लिए लोग इतने ज्यादा उसमें डूब जाते हैं, उसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं उस आइडिया को सच करने के लिए. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with hardship and recover from its effects. Nelson Mandela कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि कितना भी टॉर्चर सह लेते हैं, किसी भी अटैक से डरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, उनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, वो किसी भी दुख तकलीफ को झेल लेते हैं. और वो कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें ये लेसन क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस किया,
उनके एक्सपीरियंसेस से हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। और क्या सीखने को मिल रहा है? कि लोगों में कितनी ज्यादा शक्ति है, हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। हम अगर कुछ सोच ले, अगर कुछ करने की ठान ले, तो हम वो करके ही रहते हैं। हमारे अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि हम कितनी भी ज्यादा हार्डशिप्स को सह सकते हैं, और हम जो इमेजिन करें, हम जो सोच ले, हम जो ठान ले, हमारे अंदर जो आइडिया है उसे सच करने के लिए हम बहुत ज्यादा ताकत और मेहनत लगा सकते हैं और किसी भी ऑपोजिशन का सामना कर सकते हैं। तो इन सब लोगों की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इन लोगों में भी इतना ज्यादा करेज था, कि इतनी ज्यादा हिम्मत इन्होंने दिखाई कि जब इन्होंने ठान ली कि ये अपार्थिड को खत्म करके रहेंगे, तो इन्होंने वो पूरा किया। आई लर्न्ड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री। नेल्सन मंडेला ने ये सीखा कि धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से डरते नहीं है, धैर्य का मतलब ये है कि आपने अपने डर के ऊपर जीत पाली है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. जब आप अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि आप ब्रेव हैं, आप बहादुर हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जन्म से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता। अगर किसी का रंग अलग है, या वो किसी अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, या किसी और धर्म का है, कोई भी इंसान जन्म से ऐसे भेदभाव नहीं सीख कर आता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। नेल्सन कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और वो कहते हैं कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें प्यार करना सिखाया है। नफरत करना तो हम धरती पर आकर सीखते हैं, उससे पहले हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है? प्यार करना। तो वो कहते हैं कि अगर हमने नफरत करनी यहां पर आकर सीख ली, तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारी नेचुरल एबिलिटी है जो कि हमें भगवान ने दी है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। Push to our limits means push to the last point in our ability to bear pain. जब आप किसी को इतना ज्यादा तंग करते हैं कि अब उसकी सहन शक्ति खत्म होने वाली है, that means push to the limit. Grimmest means toughest, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, अपने साथियों के साथ थे, तब उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, और बहुत ज्यादा मुश्किल समय में जब अब उनके बर्दाश्त की हद आ जाती थी, तब भी वो क्या देखते थे कि जो गार्ड्स थे जेल में, उनमें से किसी एक गार्ड के चेहरे पे उन्हें इंसानियत की झलक देखने को मिलती थी। हो सकता है कोई भी एक गार्ड उन पर थोड़ी सी दया दिखा देता हो, और उसके इसी एक्ट से नेल्सन मंडेला को हिम्मत मिलती थी और उन्हें ये अश्योरेंस मिलती थी कि अभी भी इंसानियत है दुनिया में, और इसी अश्योरेंस के भरोसे वो फिर से अपनी हिम्मत जुटाते थे। तो जैसे कि कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, नेल्सन मंडेला को भी ऐसी ही फीलिंग आती थी, एक हल्की सी इंसानियत की झलक भी उन्हें हिम्मत दे देती थी और उन्हें फिर से स्ट्रगल करने की हिम्मत मिल जाती थी, शक्ति मिल जाती थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मंडेला का ये सोचना है कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम है, एक कैंडल की लौ की तरह है, जो कि छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country.
मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की दो तरह की ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी है उसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशंस मींस नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर। ये जो दो तरह की ड्यूटीज हैं हर आदमी की, वो अपनी ये ड्यूटीज अपनी आदत और अपनी ताकत के हिसाब से पूरी करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। अब जैसे कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इसलिए एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी ड्यूटीज पूरी कर सके, अपनी ड्यूटीज निभा सके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अ मैन ऑफ कलर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसकी स्किन का कलर वाइट नहीं है, यानी कि ब्राउन या फिर डार्क कलर का स्किन होगा। साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान की स्किन व्हाइट कलर की नहीं थी और वो इंसानों की तरह जिंदगी जीना चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था और उसे सारी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। दैट मींस ये जो अपार्थीड है ये इतना ज्यादा इनह्यूमेन था, वहां पर कलर्ड स्किन वाले लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी जीना अलाउड नहीं था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidable. अगर कोई इंसान अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा था कि apartheid के अंडर साउथ अफ्रीका में कलर्ड स्किन वाले लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना अलाउड नहीं था, वो कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई इंसान अपने लोगों की भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, उस इंसान को रेबेल कहा जाता था। उस इंसान को पुलिस पकड़ लेती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था और उसे अपनी ये ड्यूटी फुलफिल करना अलाउड नहीं था। ऐसा ही तो नेल्सन मंडेला के साथ हुआ, तभी तो उन्होंने 27 इयर्स जेल में बिताए। एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे, वो अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहते थे, उनकी भलाई के लिए वो वहां पर एक नेता बनना चाहते थे, एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन अपार्थीड के चलते उनकी स्किन का कलर डार्क था इसलिए उन्हें ये हक नहीं दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें एक रेबेल कहा गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर वो अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभा पाएंगे। और इसीलिए जब उन्होंने ये चीज रियलाइज की तो वो अपनी फैमिली की तरफ एक बेटा होने का, एक भाई होने का, एक फादर और एक हस्बैंड होने का जो ड्यूटी है उसे अच्छी तरह निभा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ये चूज किया कि पहले वो अपने लोगों की तरफ जो उनकी ड्यूटी है उसे पूरा करेंगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जब नेल्सन मंडेला बॉर्न हुए तब उनमें ये भूख नहीं थी कि वो आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि वो आजाद ही थे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसे ये नहीं पता होता कि वो आजाद है या नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बंदिशें हैं, जो आपकी फ्रीडम को कोई भी रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रियलाइजेशन तो आपको थोड़ी देर बाद होती है। जब आप बॉर्न होते हैं तब आपको नहीं पता होता कि आपको किसी ने बंदी बनाया हुआ है, आप आजाद नहीं है। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. Now, as a child, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? आजादी से इधर उधर घूमते रहते हैं। और ऐसे ही नेल्सन मंडेला का भी बचपन था। वो कहते हैं कि छोटे होते वो क्या करते थे, अपनी माँ के घर के आसपास जो खेत थे उनमें आजादी से घूमते रहते थे।
जो पास में नदी बहती थी उसमें स्विम करते थे। रात के समय मीलीज यानी कि कोई भी तरह का ग्रेन है उसे रोस्ट करके उसे भून कर खाया करते थे, और जो बैल होते थे उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करते थे। तो बच्चे आजादी से ऐसे जीवन जीते हैं, और ऐसे ही नेल्सन मंडेला का भी बचपन था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो बच्चों के लिए उनके पापा का जो ऑर्डर होता है उसे फॉलो करना, और उनके जो लोग हैं, उनका जो ट्राइब है, उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, उन्हें फॉलो करना, जब तक बच्चे ये दो चीजें करते हैं तो उन्हें कोई भी मुश्किलें नहीं आती, उन्हें उसके बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और उन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर आदमियों ने या भगवान ने क्या लॉज बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी दुनिया इतनी ही होती है, इतनी ही सीमित होती है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये है नेल्सन मंडेला जब वो यंग एज में थे, जब उन्होंने रेबेलियन शुरू की। Illusion means something that appears to be real but is not. एक झांसा, आपको लगता है कि कोई चीज सच है लेकिन वो सच नहीं होती है। जब मंडेला थोड़े से बड़े हुए तब उन्होंने रियलाइज किया कि बचपन में जो आजादी से वो जीते थे वो सच नहीं थी। जब बड़े हुए तो उन्होंने ये फील किया कि उनकी आजादी रिस्ट्रिक्टेड है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो फ्री नहीं है तो वो फ्री होना चाहते हैं। उनके अंदर फ्रीडम की हंगर जाग उठी, वो आजाद होना चाहते थे। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Transitory means something which is not permanent, temporary. जब वो एक student थे तब वो अपने लिए आजादी चाहते थे। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपके parents आप पर थोड़ी सी restrictions लगा देते हैं कि तुम रात को बाहर नहीं जा सकते, तुम अपनी मर्जी की चीजें नहीं पढ़ सकते, तुम अपनी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, जहां चाहो वहां नहीं जा सकते। इस तरह की इम्पोजिशंस लगने लगी नेल्सन पर भी, और वो इन सब इम्पोजिशन से आजादी चाहते थे। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि ये जो इम्पोजिशंस थी ये तो टेम्पररी थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब वो थोड़े से बड़े हुए, वो जोहान्सबर्ग नाम के शहर में रहते थे, और वहां पर उनके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आने लग गई, और वो तब किस तरह की आजादी चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जिस चीज की वर्थ है वो काम कर सकें, जिससे वो चाहें उससे शादी कर सकें, जो भी पैसे वो कमाते हैं वो अपने पास रख सकें, अपनी एक फैमिली बना सकें, और जब तक के वो लॉफुली बिहेव कर रही हैं तो वो आजादी से जी सकें बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट के। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। नेल्सन ने रियलाइज किया कि सिर्फ वो ही नहीं थे जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लेकिन सारे के सारे लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, जो कि डार्क कलर की स्किन के थे, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। कर्टेल्ड मीन्स रिड्यूस्ड या रिस्ट्रिक्टेड। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जितने भी लोग थे जिनकी स्किन का कलर डार्क था, जो कि ब्लैक्स थे, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और अपने लोगों की आजादी के लिए वो लड़ने लगे। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that animated my life.
that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि अगर आज उन पर ये लेबल्स लगाए जाएं कि वो बोल्ड है, वो एक क्रिमिनल है, उनका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, वो एक मॉन्क की तरह सारी चीजों को त्याग कर जिंदगी जी रहे हैं, तो वो ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो आजादी चाहते थे, वो लोगों को आजाद कराना चाहते थे, और इस प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में ही उनको ये एडजेक्टिव्स मिले। इससे पहले वो एक फियरफुल इंसान थे, लेकिन इस स्ट्रगल में वो बोल्ड बन गए। वो लॉ अबाइडिंग इंसान थे, लेकिन उन्हें क्रिमिनल बनने पर फोर्स किया गया। वो फैमिली लविंग मैन थे, उनकी एक फैमिली थी, लेकिन उन्होंने उसे भी त्याग दिया इस स्ट्रगल के दौरान। और जो इंसान जिंदगी से इतना प्यार करता था, अब उसने अपनी जिंदगी भी त्याग दी थी और वो एक मॉन्क बन गया था। उसने सारी दुनिया त्याग दी थी, क्यों? इस आजादी की स्ट्रगल की वजह से। तो उनके हालातों ने ही उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Nelson Mandela कहते हैं कि उनमें कोई खास बात नहीं है, कोई खास qualities नहीं है, ऐसा नहीं है कि आम लोगों से ज़्यादा sacrificing nature है उनकी। लेकिन जब उन्होंने ये realize किया कि उनके लोग आजाद नहीं हैं, वो अपनी आजादी एंजॉय नहीं कर सकते, तो नेल्सन मंडेला भी अपनी आजादी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो कहते हैं कि मैंने ये फील किया कि जब तक मेरी कम्युनिटी का कोई भी इंसान आजाद नहीं है, तो मैं भी आजाद नहीं हूं। अगर कोई भी इंसान बंदिशों में है, चेन्स में है, यानी कि उस पर बंदिशें लगाई गई हैं, तो वो बंदिशें मंडेला पर भी लगी हुई हैं। तो उन्होंने इतना अपनापन फील किया अपने लोगों के साथ, और तभी उन्होंने सब लोगों की आजादी के लिए इतना स्ट्रगल किया। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अब ये ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है? ऑप्रेसर वो इंसान है जो कि किसी के ऊपर बंदिशें लगाता है, किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे वो वाइट लोग, वो वाइट कम्युनिटी के लोग जिन्होंने अपार्थीड वहां पर लगाया हुआ था। और ऑप्रेस्ड कौन है? वो इंसान जिसकी फ्रीडम कर्टेल की जाती है, यानी कि द ब्लैक्स, जिनकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी। मंडेला कहते हैं कि जिस इंसान पर बंदिशें लगाई जाती हैं, उसे तो आजाद करवाना ही है, लेकिन जो बंदिशें लगाता है उसे भी लिबरेट करना है। वो भी जकड़ा हुआ है अपनी इन बंदिशों में। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन उस नफरत का कोई कारण नहीं है, दैट इज प्रेजुडिस। तो जो ऑप्रेसर है, जो वाइट लोग हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम का शिकार है? उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए? हेट्रिड से। वो हेट्रिड में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वो सिर्फ नफरत करते हैं, किसी भी इंसान से नफरत करते हैं बिना किसी रीजन के, और वो नैरो माइंडेड है, उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है, तभी वो लोगों से नफरत करते हैं। और मंडेला कहते हैं कि उन लोगों को इस नफरत से आजादी दिलाना ही जरूरी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जो इंसान किसी की आजादी को छीनता है, वो भी आजाद नहीं है, और जिसकी आजादी छीनी जाती है, वो तो आजाद है ही नहीं। तो दोनों इंसान सेम ही बोट में तैर रहे हैं। जो किसी को ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेस होता है, दोनों ही फ्री नहीं है।
The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो मंडेला का ये मानना है कि दोनों ही इंसान नहीं है, जो इंसान किसी को ऑप्रेस कर रहा है और जो इंसान ऑप्रेस हो रहा है, यानी कि जो व्हाइट्स थे और जो ब्लैक्स थे, दोनों ही इनह्यूमन थे, एक दूसरे की आजादी छीन रहा था और दूसरे की आजादी छीनी जा रही। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी इस स्टोरी में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी की आजादी छीनते हैं तो भी हम भी आजाद नहीं है, हम भी शिकार है नफरत के। इसलिए अगर कोई किसी की फ्रीडम छीनता है या किसी की फ्रीडम छीनी जाती है, दोनों ही लोग इनह्यूमैनिटी के विक्टिम्स हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।